सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को और साथ में लगे बेल आइकॉन पे क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपको 3 ऑप्शन दिख जाएगा, उसमें से आपको ऑल ऑप्शन पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप उस पर सिलेक्ट कर लेंगे, मैं अपने वीडियो जैसे ही यूट्यूब पे अपलोड करूँगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। देखिए रासायनिक समीकरण के लिखने के नियम, ठीक है। अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखने के लिए निम्नलिखित नियमों का पालन करते हैं, मतलब रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखने के लिए यानी संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए निम्नलिखित नियम का हम लोग पालन करते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से है। पहला देखते हैं, पहला है अभिक्रिया के अभिकारकों को उनके संकेतों या अन्य सूत्रों के पदों में समीकरण के बाई ओर लिखा जाता है। मतलब अभिक्रिया के जो अभिकारक होते हैं उनके संकेतों या फिर अणु सूत्रों को किस अणु सूत्र के जो पद होते हैं उसको हम लोग किस बाई ओर लिखते हैं, यानी कि H2+Cl2 2HCl, यानी जो ये हो गया अभिकारक, तो अभिकारक को किस ओर लिखते हैं, यानी अभिकारक के जो अणु सूत्र होंगे या फिर जो उसका जो सुसंकेत होगा उसको हम किसकी ओर लिखते हैं, बाई ओर लिखते हैं। तो ये बात याद रखिए, किसकी ओर लिखते हैं, बाई ओर लिखते हैं, तीर के बाई ओर लिखते हैं। आगे देखते हैं, पहला यह नियम हो गया। दूसरा क्या कहता है, अभिकारकों के सूत्र चिन्ह के बीच घन चिन्ह दिया जाता है। अभिकारकों के सूत्र चिन्ह के बीच अगर दो अभिकारक है तो इन दो के बीच हम लोग किसका घन चिन्ह का प्रयोग करते हैं, यानी प्लस का प्रयोग करते हैं, ठीक है, यानी जोड़ का जो चिन्ह होता है उसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो दूसरा यह कहता है। तीसरा देखते हैं, अभिकारकों के प्रतिफल को उनके संकेतों या अणुसूत्रों के पदों में समीकरण के दाईं ओर लिखते हैं, यानी जो प्रतिफल होता है उसको किसकी ओर लिखते हैं, दाईं ओर लिखते हैं, ठीक है, दाईं ओर लिखते हैं, यानी चिन्ह के दाईं ओर लिखते हैं, ये जो तीर है इसके दाईं ओर लिखते हैं, ठीक है। अब चौथा देखते हैं, प्रतिफलों के सूत्रों के मध्य घन चिन्ह दिया जाता है। अगर प्रतिफल दो ठो है, अगर प्रतिफल दो ठो है तो उसके सूत्रों के मध्य क्या देते हैं, घन चिन्ह का देते हैं। जैसे आगे हम लोग समझते हैं, यहाँ पे देखते हैं, जैसे CaCO3 यहाँ पे देखेंगे तो हमने यहाँ पे घन चिन्ह दिया, यानी दो ठो जब हो जाते हैं, जब दो ठो प्रतिफल हो जाता है तो उसके मध्य में यानी उसको बीच में हम लोग घन चिन्ह का प्रयोग करते हैं, प्लस चिन्ह का प्रयोग करते हैं या फिर जोड़ का चिन्ह देते हैं, ऐड का चिन्ह देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया चौथा। पांचवा देखते हैं, पांचवा क्या कहते हैं, ठीक है, पांचवा क्या, अभिकारकों और प्रतिफलों को एक तीर चिन्ह द्वारा अलग अलग प्रदर्शित किया जाता है। तीर चिन्ह यह दिखाता है कि अभिकारक किस दिशा की तरफ हो रही है, यानी अभिकारक और जो प्रतिफल होते हैं इसको हम लोग एक तीर चिन्ह द्वारा अलग करते हैं। और यह तीर चिन्ह क्या दिखाता है, यह तीर चिन्ह यह भी दिखाता है कि अभिक्रिया किस तरफ हो रही है। जैसे यहाँ पे AB+ तीर CD, यानी AB+ यहाँ पे ये जो तीर है यह इन दोनों को क्या कर दे, दो भागों में डिवाइड कर दे रही है। और ये तीर ये भी बता रही है कि अभिक्रिया किस तरफ हो रही है, यानी AB जो है इसकी अभिक्रिया किस तरफ हो रही है, इस तरफ हो रही है। तो ये तीर ये भी बताते हैं कि अभिक्रिया किस तरफ हो रही है, यानी यह अभिकारक हो गया और यह इधर साइड वाला क्या हो जाएगा, प्रतिफल हो जाएगा। यानी AB+ A+B जब अभिक्रिया करती है तो C+D बनाती है, यानी तीर बताता है कि यह किस तरफ अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। एक एग्जांपल के तरह समझते हैं, ठीक है। ये यानी ये जो होता है, ये दोनों जब आपस में मिलते हैं अभिक्रिया करते हैं तो ये तीर बताता है कि अभिक्रिया किस तरफ हो रही है, यानी इधर से अभिक्रिया इस साइड हो रही है। तो ये तीर हमें यह दर्शाता है कि अभिक्रिया किस तरफ हो रही है, इसकी दिशा भी बताती है अभिक्रिया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप इसके बारे में समझ होंगे। दोस्तों हम आपको बता दें कि अगले जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के जितने भी रासायनिक अभिक्रिया के जो पार्ट होते हैं उसके बारे में हम लोग रासायनिक समीकरण के जितने भी प्रकार होते हैं उसके बारे में समझेंगे, जैसे संतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण। और इसमें अगले वीडियो में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि संतुलित असंतुलित रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को और साथ में लगे बेल आइकॉन पे क्लिक कर लीजिए।
जैसे ही आप उस पे क्लिक करेंगे आपको थ्री ऑप्शन दिख जाएगा, उसमें से आपको ऑल ऑप्शन पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप उस पे सिलेक्ट कर लेंगे, मैं अपने वीडियो जैसे ही यूट्यूब पे अपलोड करूँगा सबसे पहले नोटिफिकेशन